तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतिक अहमद का काफिला लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफिले के जवानों के मोबाइल लिए गए हैं, सिर्फ 5 अफसरों के पास मोबाइल फोन है। देखिए, ये पहले से ही कहा जा रहा था क्योंकि सुरक्षा लिहाज से लगातार पुलिस को भी अब अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ 5 अफसर ऐसे हैं जो काफिले के साथ हैं, जिनके पास मोबाइल है। बाकी जितने भी अफसर, क्योंकि 45 ऐसे जवान हैं जो काफिले के साथ मौजूद हैं, अब उनमें से सिर्फ 5 ऐसे अफसर हैं जिनके पास मोबाइल फिलहाल मौजूद है। एसटीएफ के वो जवान जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, यानी एक ऑपरेशन के तरह से ही है, साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक इसको पहुंचाना, और इसमें सिर्फ 5 ऑफिसर्स की निगरानी में ये पूरा काफिला, ये पूरा कॉन्वॉय मूव करेगा। इसके पीछे वजह ये है कि कहीं से इस रूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कहीं से भी ये ना पता चले कि अगर कुछ देर के लिए रुकना है तो कहां रुकना है। ये सारे इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं करना है, यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, इन तीनों ही प्रदेश, और उत्तर प्रदेश तो आना है, वहां भी हमारी टीम मौजूद है, चारों प्रदेश से हम सबसे पहले बड़ी तस्वीर और बड़ी जानकारी सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचाए। देखिए, रतनपुर से राजस्थान में एंट्री होगी, लगभग 90 किलोमीटर का जो दायरा है, जो फासला है, उसे कवर करना है। ऐसे में तेजी से जो काफिला है, कॉन्वॉय है अतीक का, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कितने सीक्रेटिवली इस पूरे रूट को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी लूप होल पुलिस छोड़ना नहीं चाहती है। तमाम जिलों की जो पुलिस है उसे अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जिन जिन जगहों से काफिला गुजरेगा वहां पर एक बड़ा चैलेंज है कि कहीं कोई भी अनहोनी या कोई भी ऐसी घटना ना हो। क्योंकि लगातार देखिए अतीक भी कह रहा है, घबरा रहा है कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। जनक दवे लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। जनक, देखिए इससे पहले 90 किलोमीटर का दायरा रह गया था, क्योंकि रतनपुर पोस्ट से जो है एंटर करेंगे राजस्थान में। अभी फिलहाल आपका काफिला कहाँ है, कहाँ तक काफिला पहुंचा है, कितना और वक्त लगेगा? देखिए, अभी हिम्मतनगर से जस्ट क्रॉस से होते हुए श्यामला जी की ओर जो पूरा काफिला है अतीक का, वो आगे बढ़ रहा है, और अगले 1 से 1.25 घंटा मान के चलिए आप, राजस्थान सीमा में अगर जिस उनको पहुंचना है, तो तेज़ी से जिस तरीके से गाड़ियां उनकी निकल रही है, कॉन्वॉय, उस तरीके से लग रहा है कि अगले 1 से 1.25 घंटे में वो वहाँ पर होंगे। और अभी हिम्मतनगर से थोड़े आगे हम थोड़े ट्रैफिक में फंसे हैं, काफिले की तस्वीर भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, तो आगे पीछे हम हो रहे हैं। और अतीक का काफिला है वो हिम्मतनगर क्रॉस करके श्यामला जी की ओर फिलहाल अभी मोनिका आगे बढ़ रहा है। जनक, हम आपके पास लौटे, लेकिन फिर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास है, ये काफिले की तस्वीरें। लेकिन आप इस ऑपरेशन को समझिए कि इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ उन 5 ऑफिसर्स को पता है जिनके पास मोबाइल फोन है, यानी लखनऊ से भी इनकी लगातार बातचीत हो रही होगी, जो आला अधिकारी, जो सीनियर ऑफिसर्स है, किस तरीके से रूट को फॉलो करना है। और आखिर वक्त में आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि एक बदाया रूट पुलिस की टीम फॉलो करने वाली है, बिल्कुल ऐसा होने नहीं जा रहा है। एंड टाइम में भी सारे डिसीजन चेंज किए जा सकते हैं, रूट चेंज किए जा सकते हैं, अगर रुकने की पहले से प्लानिंग हो, रात्रि विश्राम की पहले से प्लानिंग हो, हो सकता है कि उसमें भी तब्दीली आ जाए, उसमें भी चेंजेस आ जाए। क्योंकि यह अतीक अहमद है, वो अतीक अहमद जिसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपराध की दुनिया का सरगना बनने में बीता है,